इधर ऊँटों के बाड़े में खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक ऊँट मेरे सामने खड़ा हुआ है और माशाल्लाह इसका कद और लंबाई आप देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है कि ये इसकी खूबसूरती है। और ये ज़िशान भाई से पूछते हैं कि ये ऊँट जो हैं, आप मुझे बता रहे थे कि अरब में जो है बाकायदा इसी की कुर्बानी की जाती है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, पहले तो थोड़ी हिस्ट्री बता दें। जी, ये ऊँट जो है ये इसकी कुर्बानी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसको नहर किया जाता है और इसके गले पे बाकायदा तौर पे जो तलवार टाइप की एक चीज़ होती है, या अगर तलवार ना भी हो तो जो छुरी होती है उसको, वो बड़ी छुरी होती है जिसको आप छुरा भी कह सकते हैं, या आप उसको मज़ीद कुछ और भी अल्फाज आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो होती है। अगर तलवार पाकिस्तान में ज़्यादातर मैसर नहीं होती तो वो नहर किया जाता है और उसको बाकायदा नीचे की तरफ से उसको मार के उसके गले पे उसको नहर किया जाता है, जिसकी वजह से खून गिरने की वजह, ज़्यादा खून ड्रॉप होने की वजह से वो खड़े खड़े ऊँट नीचे गिरता है और वो नहर हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। बाकी ये है कि इसमें कशीदाकारी भी हो रही है, पूछते हैं इनसे कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गुलकारी हो रही है, ये इस वक्त तो थोड़ा बहुत तैयारी के मराहिल में। आप हमें वो वाला ऊँट दिखाएं आगे आगे जो मुकम्मल तैयार आपने कर दिया है, आइए हम वो देखते हैं। आइए नाजरीन, ये देखिए, ये इन्होंने दिल इसके ऊपर बना रखा है और सूरज बना रखे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तितली वगैरह आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने डब्बे नुमा कुछ गुलकारी इस पर की है और इसके कोहान के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी कशीदाकारी और गुलकारी जिसे ये कहते हैं वो कर रखी है माशाल्लाह से। और ये ऊँट जो है ये मुकम्मल गुलकार शुदा है, इसको भी आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आए आपको बाड़ा दिखाते हैं और बाड़े में दिखाते हैं कितने ऊँट इधर बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बाड़े में तकरीबन 12 से 16 ऊँट बने हुए हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान है। तो गाइस ये देखिए, माशाल्लाह ऊँट आपको नज़र आएंगे, बहुत प्यारे ऊँट हैं। ये भी इससे भुपारी भाई से पूछते हैं कि इनके क्या रेट हैं, खूबसूरती है माशाल्लाह। ये जो अकसाम होती हैं उनमें कौन कौन सी किस्म है आपके पास, क्या ऊँट की अकसाम कौन कौन सी है, नाम बताएँ ऊँटों के। ऊँट में पंजाबी भी है, कामनपुर वाले भी है और गुलामानी भी है, बस ये है ना। जी, जैसे कि आपने इनसे नाम मालूम किए कि इस वक्त इस मंडी में कौन कौन से ऊँट की अकसाम और नस्ल मौजूद है, जानते हैं ये व्यापारी हैं। इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि रस्सियाँ भी हैं दो ऊँटों की। तो ये कौन सी किस्म का, कौन सी नस्ल का ऊँट है? उर्दू नहीं समझता है। अच्छा, ये नस्ल कौन सा है? गुलामाने, गुलामाने। गुलामानी नस्ल आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का आपको ऊँट नज़र आएगा। और ये कौन सा है? लवाने, बलूचिस्तान वाला। बलूचिस्तान की नस्ल का है, इसको कहते हैं लवानी, यानी कि इनके नामों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और ये कौन सा है जी? लवाने जी, ये भी देख सकते हैं। राइट, बलूचिस्तान की जो नस्ल के आप देख सकते हैं। और ये जो नस्ल है ये सिंध का होगा, और ये सिंध का है एम लवाने और बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान यानी कि जो खुश्क इलाके हैं वहाँ से ऊँट जो है वो पैदावार होती है उनकी, उन जगह से होती है। भाई हमें ये बताएगा हमारे व्यूअर्स को भी कि ये इनकी खुराक क्या है खास? अंडा भी कहता है, पत्थर शत्र भी कहता है, घास बस भी कहता है, हर चीज़ कहता है। राइट, तो अभी तक आपको कोई इसका ख़रीदार मिला है, कोई आपके आके इससे रेट वगैरह किसी ने किया? आता है, ख़रीदार बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये हमने आपको सारी अकसाम दिखाई हैं। वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम देख सकते हैं आप, ये एक भेड़ है और भेड़ों का जो दुम्बों का आप देख सकते हैं बाड़ा है, तो वहाँ पर हम खड़े हैं और तो उनके व्यापारी हैं। आइए इनसे कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? मोहम्मद ज़हीर। मोहम्मद ज़हीर भाई, आप कहाँ से आए हैं और ये बकरे कौन सी नस्ल के हैं, ये भेड़ जो है कौन सी नस्ल की है? सिलतरगांग से आए हैं, ये तुर्क की नस्ल के भेड़ है, बकरे राजनपुर के हैं। तहसील तलागंग से आए हैं, ज़िला चकवाल से। तो हमारा भी एक वास्ता रह चुका है तलागंग से, क्योंकि मेरी तालीम जो है वहाँ की है और इसके अलावा भी माशाल्लाह हमारे असाज़ा कराम भी वहीं के हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जी ये तलागंग की जो ब्रीड है वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है जानवरों की। और आप ये बताइए कि ये कितने दांतों वाला है? ये चौगा है भाई।
चोगा है जी, चार दांतों वाला जानवर है, और इसकी आपने क्या कीमत लगाई हमारे नाज़रीन को बताइए। ये 1,20,000 रुपये। माशाल्लाह, जो आप देख सकते हैं, अगर कोई ख्वाहिशमंद हजरात हों तो हम इनका नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारी स्क्रीन में भी चल रहा है, तो उसके ज़रिए से आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और मंडी में इनसे आके मुलाकात भी कर सकते हैं और इनका फ़ोन नंबर इनसे जानते हैं। जी, फ़ोन नंबर बताइए। 0307-5780-770। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला। हाँ तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें क्या कुछ पाया और क्या कुछ आप मज़ीद हमें सजेस्ट करते हैं कि हम वो आपको दिखाएं, क्योंकि मंडी में अभी कुछ दिन बाकी हैं ईद आने में, लिहाजा हम दोबारा भी मंडी में चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ आप हजरात की खातिर, ताकि आप हजरात को यहाँ की जो बेहतर मालूमात है वो दे सकें। लिहाजा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपने कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा और इस वीडियो को मज़ीद फैलाइएगा ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यही है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आप भी आएँ इधर मवेशी मंडी में और जो है ऊँट वगैरह ख़रीद सकते हैं, बकरे ख़रीद सकते हैं, और ये ख़ास तौर पे बाटा चौक है, इधर इसका इताता इतना बड़ा है कि यहाँ माशाल्लाह आपको 1500 से 2000 जानवर आराम से नज़र आएंगे, मुख्तलिफ इकसामात भी नज़र आएंगी। तो आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।